हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और सिंस एवरीवन नोज कि जीपैट का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आ रहे हैं कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर दोज जिन लोगों का जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ है या फिर जिन लोगों ने जीपैट क्वालिफाई कर लिया है। दोनों तरह के क्वेरीज आ रहे हैं मेरे पास, तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज का इंस्टीट्यूट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप किया था अबाउट जामिया हमदर्द, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से एम फार्म करने के लिए, तो एक बेसिक क्राइटेरिया मैं बता देती हूँ। मैंने इनकी वेबसाइट पे सब कुछ चेक कराया जाके, कब इनका एग्जामिनेशन फॉर्म है, कौन कौन से इनके पास ब्रांचेस हैं, देन फी स्ट्रक्चर इस ईयर का क्या है, ये सारी चीजें और सारी डिटेल्स जो स्पेसिफिक्स हैं वो मैंने मेंशन करे इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। तो जामिया हमदर्द जो एक जनरल गाइडलाइंस में बता रही हूँ कि इनको ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने बी फार्म एक पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से कराओ। फिलहाल बहुत सारी जगहों पे अभी भी AICTE लिखा हुआ है, बट देन वी नो हाउ द गाइडलाइंस हैव चेंज्ड। एम फार्म के पास इनके पास बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो ये अपना खुद का एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, बट देन इनको जीपैट का स्कोर भी चाहिए। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो जामिया हमदर्द की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे लिखा हुआ है ये इन इन ब्रांचेस में एम फार्म करवाते हैं, जिसमें केमिस्ट्री है, सूटिक्स है, कोग्नोसी है, कॉलेजी है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारे इनके एम फार्म के स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हैं जिसमें यहाँ पे ये एम फार्म आप लोग परसू कर सकते हो। अब बात आती है क्राइटेरियाज की या फिर एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 50% मार्क्स अचीव करे हो, बोथ इन एग्रीगेट ऑफ पेपर्स, थ्योरी वाले भी और प्रैक्टिकल वाले भी। ऐसा नहीं कि आपने प्रैक्टिकल में आपके बहुत कम मार्क्स हो, तो एवरेज या फिर एग्रीगेट जिसको हम बोलते हैं उनको 50% चाहिए। देन अगर आपने बी फार्म या तो फिर आपने हमारा नॉर्मल एलोपैथिक जो हम लोग बी फार्म रेगुलर बी फार्म करते हैं या फिर यूनानी किसी भी थ्रू करा है, तो वो एक अप्रूव्ड या फिर रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। जीपैट आपने क्वालिफाई होना चाहिए और एक आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड करंट ईयर का होना चाहिए या फिर जब तक आपके जीपैट स्कोर की वैलिडिटी है, राइट। देन आपको जामिया हमदर्द का फॉर्म भी भरना जरूरी है, जिसमें आई थिंक शायद 30 मई, मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि 30 मई उनकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। अब अगर वो एक्सटेंड होती है डेट या फिर और कुछ उसमें, क्योंकि जीपैट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अगर ऐसा कुछ होता है तो अभी उनकी वेबसाइट पे आ जाएगा, जो कि उनकी वेबसाइट पे अभी कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन पहले जो मेंशन था दैट वाज 30 मई, वो नोटिफिकेशन भी अभी आपको दिखा देती हूँ। देन इनके पास एक ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी इन्होंने डिस्प्ले करा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि आपको गारंटी जामिया में एडमिशन दिला देंगे ऐसा कुछ, तो प्लीज डोंट फॉल फॉर दैट। ये इन्होंने अपने डीन का कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन करा है, इसमें ईमेल आईडी भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप इसको किसी भी दिन इन लोगों को कॉल करके स्पेशली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेरीज। देन सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं, फीस, जो एक स्टूडेंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फीस क्या है यहाँ पे करंटली एम फार्म स्टूडेंट्स के लिए। तो सूटिक्स और कॉलेजी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सूटिक्स और कॉलेजी की फर्स्ट ईयर फीस कितनी है, सेकेंड ईयर फीस कितनी है, क्योंकि एम फार्म हमारा 2 ईयर्स का कोर्स होता है, तो 2,15,000 एंड 2,15,000 रिस्पेक्टिवली फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की फीस है इनके एम फार्म सूटेक्स और कॉलेजी के लिए। बाकी जो ब्रांचेस हैं जो अभी मैंने मेंशन करी थी, इनमें 2 लाख फीस है, 15,000 कम फीस है रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में, और स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में 50% एनुअल फीस सबमिट करनी पड़ती है, तो ये इनका मेंशन है। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, कोई बाहर से वीडियो देख रहा है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, उनके लिए क्या फीस होती है, तो उनके यूएसडी, ये डॉलर जो है ये यूएसडी डॉलर्स है, मतलब अमेरिकन डॉलर्स में इनकी फीस है 3,250 एंड 3,500 रिस्पेक्टिव फॉर दीज ब्रांचेस। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देन हम आ जाते हैं इनका एग्जाम फॉर्म में, जो मैंने अभी बताया था कि 30 मई, देखो इन लोगों ने डिस्प्ले भी करा था, और ये मैंने इसी नोटिफिकेशन से लिया है जो इनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रहा है, ये इनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रहा है ये नोटिफिकेशन। तो इसमें इसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये हाईलाइटेड है, इधर दिख रहा है 30 मई 2024, ये इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज करा था, लास्ट डेट फॉर ऑल द कोर्सेज एक्सेप्ट फॉर एमबीए। तो क्योंकि हम एम फार्म की बात कर रहे हैं, अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो ये रहा एम फार्म इनमें इनका एडमिशन का, ये 24-25 एडमिशन मतलब करंट ईयर के बारे में है। देन इनका पोर्टल, ये सारी बातें जो मैं कह रही हूँ आई एम नॉट सेइंग दैट, इनकी वेबसाइट कह रही है, तो आप जाके इनकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। इनका 2024-25 का जो करंट ईयर का एडमिशन पोर्टल है, उन्होंने एक कॉन्टैक्ट क्वेरी नंबर भी दिया, यू कैन ऑलवेज कॉल देम और आप पता कर सकते हो। अभी इनका जो एग्जाम है उसमें ना ही इन लोगों ने कोई लास्ट डेट आया है, ना अभी इनका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो अगर डेडलाइन एक्सटेंड हो रही है या होती है आप प्लीज इन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्योंकि इनका फॉर्म रिलीज होकर क्लोज हो चुका है। पर सिंस जीपैट का भी रिजल्ट आया है, कभी कभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज
डेडलाइंस को एक्सटेंड भी करते हैं, तो प्लीज गो एंड चेक दैट। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं एक बार लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, यू कैन चेक एंड वेरीफाई जो भी मैंने बोला, ये सारा मैं करंट ईयर का बता रही हूँ, ठीक है। एंड देन इन लोगों ने लिखा है अगेन, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, तो अगर आपको कुछ भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन अगर आता है, अगर आपको डाउट हो रहा है कि वो रियल है या नहीं, आप इनके रजिस्ट्रार से कंफर्म कर सकते हैं, ईमेल करके इनकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। तो जितने भी लोग को ये डाउट था कि मैम जामिया हमदर्द में विदाउट जीपैट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो जो इनकी वेबसाइट कह रही है, दे आर सेइंग कि नो दे नीड अ जीपैट स्कोर कार्ड, तो प्लीज डू चेक दैट। पर सिर्फ जीपैट से नहीं वैलिड होगा, आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा, मतलब इनका फॉर्म भरना पड़ेगा बेसिकली यूनिवर्सिटी का, एंड देन उसके बाद वो आपको रैंक वाइज मतलब मेरिट के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स का कौन सा ब्रांच मिला है एंड कौन से स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। स्टे ट्यून्ड।